पिछले 3 साल के WBJEE के पेपर मैंने देखे हैं, सिर्फ 3 ही साल के देखे हैं, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो उनमें अगर मुझे चैप्टर्स में कोई ट्रेंड मिला है कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर से आप किस टाइप के कितने क्वेश्चन या कितने मार्क्स का आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं आपको। एक आता है सबसे पहले टाइप 1, जिसमें आपका 1 मार्क का क्वेश्चन होता है और -1/4 मार्क्स होते हैं। सेकेंड आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका -1/2 होता है। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपका +2 मार्क्स होता है, लेकिन ये मल्टीपल करेक्ट होते हैं, इसलिए उसमें कोई आप नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, तो तीनों टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट चैप्टर से कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए, जिनका मैं प्रिडिक्ट कर पाया हूँ, सिर्फ उन्हीं के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। 3 तरीके से आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जैसे आपका कोई भी, जैसे आप देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम के आगे आपके पास नंबर लिखा हुआ है 3 + 0 + 0। इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले हमारे वो क्वेश्चन है जो 1 मार्क के हैं, जिनके लिए -1/4 हो सकता है। सेकेंड नंबर उन क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है जिसके लिए +2 मार्क्स है एंड -1/2 है। और थर्ड नंबर उन क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है जो 2 मार्क्स के जनरली आते हैं और जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो तीनों सेक्शन के करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ लिखे हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो जैसे बाइनोमियल में आप देख सकते हैं आपके 3 क्वेश्चन आप +1 मार्क्स के देख सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर आप देखेंगे तो हर टाइप का क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आप एक्सपेक्ट करते हैं, और इसमें 3 आपके +1 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन आपके +2 -1/2 के, और 1 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आप एक्सपेक्ट करते हैं। ओवरऑल अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वेटेज की बात करूं तो आपके 10 1 मार्क के क्वेश्चन, अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन आपके 2 मार्क के विद नेगेटिव, एंड 3 to 4 क्वेश्चन आपके 2 मार्क एंड 0 नेगेटिव, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इतना आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज रहता है। 5 से 6 या थोड़ा सा शायद ज्यादा हो गया है, अराउंड 4 से 5 आपको थोड़ा सा हर बार देखने को मिलते हैं। इसमें स्ट्रेट लाइन और सर्कल का थोड़ा ज्यादा वेटेज है। स्ट्रेट लाइन में आपके 3 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स वाले, 1-1 क्वेश्चन नेगेटिव वाले 2 मार्क्स के आते हैं, और 1-1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है स्ट्रेट लाइन और सर्कल से, बाकी के आपके और चैप्टर्स से आते हैं। डिटर्मिनेंट में 1 मार्क के 4 क्वेश्चन, नेगेटिव वाला 1 क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स से मिला करके, देखिए वैसे कॉम्प्लेक्स का जो क्वेश्चन होता है डायरेक्ट नहीं आता, बट अगर मैं डिफाइन करूं और ऐसे कुछ करूं तो ऑन एन एवरेज आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक से 2 आपके 1 मार्क का और कॉम्प्लेक्स से 1 आपका 1 मार्क का आते ही आता है। क्वाड्रेटिक से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पिछले 2-3 साल में आए हैं, तो इस बार भी आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। रिलेशन एंड फंक्शन की सबसे इजी क्वेश्चन आता है, इसमें आपका रिफ्लेक्सिटी या फिर 1-1 और 2 चेक करने वाले क्वेश्चन आते हैं। ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसे 1 मार्क के, और फिर एक जो 1 क्वेश्चन इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वेक्टर एंड 3D से मिला करके आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जनरली MCQ यहाँ से नहीं आता है, 1 मार्क और 2 मार्क के नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन ही आते हैं। इंटीग्रेशन काफी भारी चैप्टर है, काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। डेफिनेट इंटीग्रल रिलेटिवली ज्यादा देखा जाता है 6 क्वेश्चन में, अगर मैं बोलूं तो 2 क्वेश्चन आपके इंडेफिनेट से और 4 डेफिनेट से देखे जाते हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं क्योंकि कम टाइम में ज्यादा करना होता है ना। और जो आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है वो जनरली आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से आता है। लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप देख सकते हैं लिमिट्स में अननोन फाइंड करने वाले क्वेश्चन ही यहाँ पे थोड़े ज्यादा देखे जाते हैं, और साथ ही जिसमें आपका वो एल हॉस्पिटल रूल जिसमें आप लगा सकते हैं उस टाइप की फॉर्म, 0/0, ∞/∞, वो थोड़े से ज्यादा आती है। और जनरली 1 मार्क के क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं, कई बार रेशनलाइजेशन भी आप कर सकते हैं, आपको एल हॉस्पिटल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 2 मार्क का 1 क्वेश्चन आता है, रिलेटिवली कॉन्टिन्यूटी से ज्यादा आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन पिछले 3 साल में अगर मैं बात करूं तो, बाकी सही है। प्रोबेबिलिटी से ज्यादा वेटेज नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक ही बार ऐसा था कि जब 2 मार्क का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आया था, अदरवाइज सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन ही आते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे नहीं आए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से हर साल आपके 5 क्वेश्चन आए हैं, 3 सिंगल चॉइस 1 मार्क, 1 सिंगल चॉइस 2 मार्क और 1 मल्टीपल चॉइस। तो इस तरीके का मैं कुछ जो भी हमारा बोल सकते हैं कंक्लूड कर पाया हूँ कि क्या वेटेज है क्या नहीं है। कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं उनका कोई फिक्स ट्रेंड नहीं था इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जिनका फिक्स ट्रेंड था वो मैंने यहाँ पे सब मेंशन कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई और जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जल्दी उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे जो WBJEE के लिए पढ़ रहे अच्छे से पढ़ो, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में बताओ।